हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहिता और सीरीज टेलर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड की कई मूवीज में हमने शिक्षा के महत्व को हाईलाइट करते हुए देखा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कई मूवीज बनी हैं और ज्यादातर मूवीज ने ऑडियंस पे अपना मैजिक किया है। इसी टॉपिक पे अगस्त 2020 में एक नई मूवी आई है जिसका नाम है परीक्षा। लेकिन दोस्तों, क्या परीक्षा एक कॉपी मूवी है या एक ओरिजिनल मूवी? आज हम इसके बारे में बातें करेंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप और हम हमेशा इस सीरीज टेलिंग से जुड़े रहें। दोस्तों, अगस्त 6, 2020 को Z5 पे रिलीज हुई मूवी परीक्षा एक बहुत ही इमोशनल और मोटिवेटिंग मूवी है। लेकिन इस मूवी के ऐसे कई हिस्से हैं जिसे देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी 2017 में आई हिंदी मीडियम और 2020 में आई अंग्रेजी मीडियम का कॉपी है। दोस्तों, आज मैं परीक्षा मूवी की ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जो कि इरफान खान की हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम से बहुत मिलती जुलती है। पहली चीज, हिंदी मीडियम और परीक्षा दोनों में स्टेटस को काफी महत्व दिया गया है और एक इंसान का अच्छी शिक्षा पे हक है या नहीं, ये उसके स्टेटस से डिसाइड किया जाता है। हिंदी मीडियम और परीक्षा दोनों ही मूवीज में पिता को आर्थिक रूप से कमजोर दिखाया गया है, पर वो अपने बच्चों के अच्छे और बेहतरीन शिक्षा के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इन दोनों फिल्मों में एक पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और प्यार के लिए अच्छे से गलत सारे काम करता है। इन दोनों ही मूवीज में बच्चों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखाया गया है, लेकिन उनके टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं, उनके स्टेटस में है। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और परीक्षा, इन तीनों में हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखता है जो उनके इस सपने को पूरा करने में मदद करता है। हिंदी मीडियम में इरफान खान का वो दोस्त श्याम प्रकाश, अंग्रेजी मीडियम में इरफान खान का भाई घसीटाराम और परीक्षा में SP कैलाश। 5वीं सिमिलैरिटी, हिंदी मीडियम में इरफान खान और उनकी बीवी ने पहले सही और फिर गलत रास्ता चुना था अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए। परीक्षा में भी आदिल हुसैन उर्फ बुची ने पहले सही तरीका अपनाया, पर फिर मैनेजमेंट के प्रेशर और पैसों की तंगी की वजह से वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। और तीनों ही मूवीज की स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और लीड कैरेक्टर की एक्टिंग कमाल थी। इसी वजह से हम इरफान खान को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए आज भी याद करते हैं। और परीक्षा में आदिल हुसैन उर्फ बुची की एक्टिंग ने सबके दिल को जीत लिया है। तीनों मूवीज की USP की बात करें तो इमोशनल एंगल ऐसा है कि ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दे कि किसकी अहमियत ज्यादा है, पैसे और स्टेटस की या इंसान और उसके टैलेंट की। ये तीनों ही मूवीज, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और परीक्षा, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करती है और हमारी सोसाइटी के उन लोगों का पर्दाफाश करती है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाने में विश्वास रखते हैं, और इसी सब के बीच में बच्चों की शिक्षा और उनका टैलेंट पिसके रह जाता है। कुल मिला के ये तीनों मूवीज काफी सिमिलर लगेंगे, पर फ्रेंड्स, तीनों मूवी का मैसेजिंग अलग है। हिंदी और अंग्रेजी मीडियम को जहाँ कॉमेडी ड्रामा के अंदाज में दिखाया गया है, परीक्षा को एक फुल इमोशनल और इंस्पायरिंग तरीके से दर्शाया गया है। और सीरीज चला पे हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप परीक्षा मूवी जरूर देखें। इसके यूनिक स्टोरी एंगल और स्क्रीन प्ले के लिए, बेहतरीन एक्टिंग के लिए और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजिंग के लिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके हमें अपने सजेशंस भी दें। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। हम बहुत जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।